क्वेश्चन नंबर पहला, फ्रेंड्स संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ह्यूम। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्या है, भाषाओं की सूची, ठीक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, भाषाओं की सूची। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो फोर का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है? चार का जो सही आंसर फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो कानून लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ठीक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, तो 1942 में जो गांधी जी आंदोलन चलाए थे फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है सिक्स नंबर का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? 1942 में गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाए थे? ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सातवां फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तो सेवन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1945 में। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, नैन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ठीक है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो टेन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ठीक है? और इसका जो सही आंसर है दसवां नंबर का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर डी प्रखंड प्रमुख, ठीक है? 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी प्रखंड प्रमुख। अगला प्रश्न है, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? इसका जो सही आंसर है 13 नंबर का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है 14 नंबर का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? और इसका जो सही आंसर है 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इंदिरा गांधी, ठीक है? 16 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 65वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 73वां संशोधन। तो 17 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 73वां संशोधन, ठीक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्वेश्चन क्या है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ठीक है?
इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स 21 क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ निस्त्रीकरण आयोग कब बना? इसका जो राइट आंसर है, 23 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1952 में। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? इसका जो सही आंसर है 24 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रूस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर सी रूस। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर जो बना था फ्रेंड्स वो बना था ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग। Thank you.